नियम के अनुसार सदन चलता है। इस संबंध में बिहार के संबंध में सीतामढ़ी के संबंध में दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट ए स्टेट मैटर। नियम के अनुसार सदन चलता है। इस संबंध में बिहार के संबंध में सीतामढ़ी के संबंध में नोटिस अर्ली है। सीतामढ़ी में गरीब लोग जा रहे थे मांगने के लिए रिलीफ, और उस रिलीफ में जाकर के छह लोगों की हत्या हुई, और उस सीतामढ़ी में गरीब लोग जा रहे थे मांगने के लिए रिलीफ, और उस रिलीफ में जाकर के छह लोगों की हत्या हुई, और उस छह लोगों की हत्या में दो मुसलमान थे, माइनॉरिटी के लोग थे, और जिनको जिंदा जलाने का काम किया मुनीफ मियां को और अयूब खां को एडमिनिस्ट्रेशन ने जिंदा जला दिया, सबके सामने में जला दिया। ये भी नहीं हुई कि माइनॉरिटी का को जो एक नियम होता है उसके नियम के मुताबिक उसको दफनाया जाए। अभी मुसहर परिवार का, जहानाबाद जिले में मुसहर परिवार का जो सबसे शेड्यूल कास्ट में गरीब होता है, उसके यहाँ पुलिस चली गई। एक बच्चा मुसहर का था, मर गया था। उनकी पत्नी को जाकर के पुलिस घसीटने की कोशिश किया। 4 साल का उसका बच्चा जहानाबाद में, वो अपने माँ से चिपक गया, और माँ से ये 10वां महीना अक्टूबर के महीने की बात है। अभी क्वेश्चन है मुलायम सिंह जी, बिहार का पूर्णिया का है, अब कीजिए ना, तो आपको कर दे, अब कीजिए ना, तो इसलिए आपको गुस्सा क्यों लगता है, गुस्सा क्यों लगता है आपको? उत्तर बिहार पर बहुत नीता वर्मा जी उठा चुकी थी, और दो बार तीन बार स्टेट सब्जेक्ट है, नियम कायदा के भी खिलाफ है, और उसमें बिहार घटना है तो हम लोग का भी सवाल उठाया जा चुका है। और बार बार अगर यही बात है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में चर्चा कर लीजिए, गहन चीजें में मांग करता हूँ, कर लीजिए चर्चा। आदिवासी अत्याचार, हत्याएं, विद्यार्थियों सिंह हमारे जिले में मुलायम सुनवाई नहीं, और एक भी कार्रवाई मुलायम बिहार ही दिखाई दे रहा है। मिस्टर मुलायम मिस्टर का जब ये हो चुका सवाल, आज नियम के विरुद्ध नहीं सदन चल सकता है, कोई बड़ा हो चाहे शेर हो चाहे ये हो, नियम के अनुसार सदन चलता है। इस संबंध में बिहार के संबंध में सीतामढ़ी के संबंध में मुलायम सिंह यादव जी यहाँ नहीं थे 3-4 दिन से, ये 0 आवर नहीं है मुलायम सिंह, कॉलिंग अटेंशन है, और कॉलिंग अटेंशन ऐसा कीजिए, आप हमको नियम मत बताइए, हमारा नाम लेकर चलेंगे तो मुझे मौका दीजिए, मैं बीच में बोलूंगा, ऐसा मत करिए, हमको नियम मत पढ़ाइए, नियम हम आपसे कम नहीं पढ़े हैं। सवाल ये है कि जौनपुर में 4 मुसलमान मार दिए, क्या हुआ? अभी तो दो अनुसूचित जाति के जौनपुर मार दिए, क्या हुआ? यू हैव बीन आवर फ्रेंड सिंस 1977 एंड योर नेम एंड माई नेम हैज अपियर कॉलिंग अटेंशन नॉट इन 1 टाइम बट 100 टाइम्स एंड वंस यू नो दैट देयर इफ देयर इज एट्रोसिटीज शेड्यूल ट्राइब्स मैटर कंसर्न टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज नॉट ए स्टेट मैटर, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स मैटर कंसर्न टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पासवान, व्हाट आर यू टॉकिंग पासवान, मिस्टर पासवान, व्हाट आई सेड, आई थिंक यू हैव मिसअंडरस्टूड, इफ यू डोंट वांट आई विल नॉट आस्क एनी सप्लीमेंट्री, व्हाट आई विल नॉट आस्क एनी सप्लीमेंट्री, व्हाट होम मिनिस्टर हैज सेड दैट इज सफिशियंट, आई विड्रॉ माय क्वेश्चन, प्लीज प्रोसीड ऑन अदर आइटम, please I don't want to make any controversial issues but this is not the issue, Mr. Baswan, you asked me that guy, I have gone outside the purview, no please understand me, you see the question is with regard to burn or the tribes in Purnia, yes you in Purnia you have mentioned sir, not only tribes, Muslim has also been burnt. This is not only tribes. Muslim has also been burnt. That's why I am raising this issue. And this arises from the Home Minister's statement. Home Minister stated that not only tribal has been burnt. केवल ट्राइबल ही नहीं जलाए गए हैं, मुस्लिम भी जलाए गए हैं वहाँ, इसलिए मैं इसको कॉमनल कर, मैं ये कुछ लोग सर कुछ लोग इसको हिंदू मुसलमान का इशू बनाना चाहते हैं। सर आप यू गो थ्रू द स्टेटमेंट, मिनिस्टर से, होम मिनिस्टर से स्टेटमेंट है,
पूर्णिया भी संबंध है। इसलिए सर मैं सीधी सी बात मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में। मैंने ये भी नहीं कहा बिहार सरकार के संबंध में या किसी, मैं कह रहा हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये सिर्फ ट्राइबल का ही मामला नहीं है बल्कि ट्राइबल के पहले मैंने कहा कि उसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं। नोटिस आ रही है ऑनरेबल मिनिस्टर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पासवान जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि इसको एक सांप्रदायिक झगड़ा करके प्रस्तुत करना सर्वथा गलत होगा। मैंने अपने वक्तव्य में ही कहा कि पहली बात कि हमने इस बारे में जानकारी की बिहार की सरकार से, और बिहार की सरकार ने हमको बताया कि मूलतः यह झगड़ा या यह जो हिंसा हुई उसका आधार है जमीन के बारे में एक विवाद, और उस जमीन के विवाद के बारे में जो जमीन के मालिक थे उन्होंने आज से 1.5 साल पहले एक घोषणा की। उस घोषणा के बाद अभी अभी उन्होंने एक ट्रैक्टर भेजा या घोषणा करके कि अब आपका अधिकार नहीं है, सिकमी अधिकार नहीं है, टेनेंसी अधिकार नहीं है, और इसीलिए हम इस पर जोत करेंगे। और उन्होंने ट्रैक्टर भेज करके उस ट्रैक्टर का जो चलाने वाला था उसका नाम था फिरोज मियां उसका नाम था। और वो जब ट्रैक्टर लेकर के आया तो वहां के जो लोग वहां पर टेनेंसी राइट्स थे जिनके पहले, और जो लोग वहां पर कास्ट करते थे, उन्होंने उसको पकड़ करके उसको मारा, उसकी हत्या हो गई, और फिर ट्रैक्टर को जलाया और उसमें उन्होंने उसकी लाश भी डाल दी। इसके कारण उत्तेजना फैली, उसके बाद एक 5,000 का जमघट मॉब वो वहां पर आया, और उस 5,000 के मॉब ने आकर के वहां पर आदिवासियों के झोपड़ियों को आग लगा दी। उस आग लगने से 6 लोग मारे गए जिनमें से 3 छोटे बच्चे थे। इतने तथ्य बिहार सरकार ने हमको दिए, वो आपके सामने रख दिए। अब जैसे रामविलास पासवान की ये जानकारी है कि वो घटना इस समय हुई, उसके बारे में जानकारी दूसरी एक और सदस्य दे रहे हैं, कितनी दूर वहां का थाना है, इस बारे में आप जानकारी चाहेंगे मैं एक बार फिर से उनके जानकारी प्राप्त करके जरूर दे दूंगा। लेकिन अध्यक्ष जी, इस बात को स्वीकार करना चाहिए जब इस प्रकार की घटना के बारे में केंद्रीय सरकार से वक्तव्य मांगा जाता है तो केंद्रीय सरकार प्रायः उतना ही वक्तव्य देगी जितना कि राज्य सरकार उन्हें सूचित करती है, और फिर उसके आधार पर ही आगे बढ़ सकता है।